हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अपने जगह पर बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे। इसका टाइटल था इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज का हमारा 3rd लेक्चर है। तो 3rd लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक बार रीकैप कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 2 में बेसिकली हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंसेस को स्टडी किया। 5 ऐसे बेसिस थे जिसके आधार पर हम उन तीनों को डिफरेंशिएट कर पाए। क्या क्या थे वो? पहला बेस था हमारा कि आपका सॉल्यूशन या सस्पेंशन या कोलोइडल सॉल्यूशन ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। सेकेंड हमने डिस्कस किया कि आपके पार्टिकल्स हैं जो वो नेक्ड आई से दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। 3rd हमने डिस्कस किया कि उस पर्टिकुलर गिवन सॉल्यूशन, सस्पेंशन या कोलोइडल सॉल्यूशन से लाइट स्कैटरिंग होती है या नहीं होती। 3rd हमने डिस्कस किया अगर हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं या नहीं होते। और लास्ट हमने डिस्कस किया यदि हम इन तीनों को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें तो इनके अंदर के पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं या नहीं। तो इन 5 आधार पर हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन के डिफरेंसेस को समझा। अगर आप तीनों का एग्जांपल ध्यान रखते हैं, सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या था? सेलाइन वाटर। सस्पेंशन का क्या था? अनफिल्टर्ड लेमनेड, बिना छानी हुई शिकंजी। और 3rd का था मिल्क। अगर आप तीनों के एग्जाम्पल ध्यान में रखते हैं तो आपको तीनों के डिफरेंसेस को याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप आसानी से उसको कंपेयर करके याद कर सकते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 3rd में। लेक्चर नंबर 3rd में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, देखिए आपको एक बात पता है कि मिक्सचर जो होता है वो 2 या 3-4 कॉम्पोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। तो यदि कोई मिक्सचर 2 चीज़ों से मिलकर बना है तो क्या ऐसी टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं जिनके द्वारा हम 2 कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकें? तो आज की क्लास में हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी करेंगे एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सेपरेटिंग डाई फ्रॉम ब्लैक इंक। आपकी एक ब्लैक इंक होती है, इस मार्कर के अंदर जो मैंने इंक डाली है वो ब्लैक इंक है। ब्लैक इंक कैसे बनी होगी? उसके अंदर वाटर रहा होगा और ब्लैक कलर की डाई उसके अंदर मिला दी गई होगी, इस तरीके से आपकी इंक बनी होगी। तो हमारा मेथड हमें ऐसा देना है जिसमें क्या हो कि जो डाई है वो उस वाटर से अलग हो जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसमें यूज होने वाले कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले एक बर्नर है, बर्नर के बाद एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है। उस पानी भरे हुए बीकर के ऊपर एक चाइना डिश रखी हुई है और उसके अंदर हमने इंक डाली हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस इंक को हीट करना है। अब आप ये कहेंगे कि हीट करना था तो आप डायरेक्टली हीट कर सकते थे, ये वाटर बीकर आपने बीच में क्यों लेके आए आप? इसका एक कारण है, जैसे आपने कई बार घर में देखा होगा जो गाजर का हलवा है उसको, एक तो मेथड है आप डायरेक्टली अपने जो गैस चूल्हा है उसके ऊपर रखें और गर्म कर लें, उससे क्या होगा जो नीचे की उसकी पपड़ी है वो काली पड़ जाएगी। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड क्या है, आप एक बड़ा बर्तन लें, उसमें पानी को खूब गर्म कर लें, खूब गर्म कर लें और उसके अंदर एक दूसरे बर्तन में उसको गाजर के हलवे को डाल के उसके अंदर रखेंगे तो वो हीट पानी के थ्रू स्लोली एब्जॉर्ब करेगा और उस तरीके से उसके अंदर जो काला पड़ रहा था उस तरह का नहीं आएगा। डायरेक्टली हीट करने से कई सारे और साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं जो हमें सेपरेट करने में डिफिकल्टी प्रोड्यूस करें, इसलिए हमने यहाँ पर उसको इनडायरेक्टली हीट किया है। जब इनडायरेक्टली हीट करते हैं तो यहाँ पर जो डाई है और जो वाटर है उसमें वाटर वोलेटाइल कंपोनेंट है। वोलेटाइल कंपोनेंट का मतलब है कि वो इवेपोरेट हो सकता है और डाई आपकी इवेपोरेट होती नहीं है। तो पानी से जो गर्मी आएगी उस गर्मी से पानी इवेपोरेट होता रहेगा और लास्ट में आपके पास डाई बच जाएगी। तो कहने का मतलब इस सेपरेशन में क्या टेक्निक लगी, वोलेटाइल सॉल्वेंट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय मेथड ऑफ इवेपोरेशन। वोलेटाइल सॉल्वेंट क्या है हमारा? वोलेटाइल का मतलब है जो इवेपोरेट हो सके। सॉल्वेंट क्या है? जो इसको जिसने घोला है। तो सोलेटाइल वोलेटाइल
सोलवेंट हमारा हो गया यहां पे वॉटर। दूसरा क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो उसके अंदर घुला हुआ है वो आपका इवेपोरेट नहीं हो सकता, ये क्या है आपका डाई। देखिए जब भी आप दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे एक बात पक्की है, उनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसी डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी के आधार पर ही हम उनको सेपरेट कर पाएंगे। तो यहां पर सेपरेशन कैसे हुआ, एक कंपोनेंट वोलेटाइल है, वोलेटाइल का मतलब इवेपोरेट हो सकता है, दूसरा नॉन वोलेटाइल है, तो वोलेटिलिटी और नॉन वोलेटिलिटी के कारण हम उन दोनों को सेपरेट कर पाए। ये फर्स्ट मेथड आपका था। सेकंड मेथड पे आते हैं, टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क के अंदर से हम क्रीम को कैसे सेपरेट करें, जो फैट होता है आपका या जो मक्खन होता है उसको हम सेपरेट कैसे करें। इसको सेपरेट करने का एक तरीका है सेंट्रीफ्यूगेशन, जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जैसे आपने इस बर्तन में मिल्क लिया, आपके घर में जो ग्राइंडर होता है उसी तरह का इंस्ट्रूमेंट हम यहां पर लेते हैं और वो उसको रोटेट करता है, और इस रोटेशन से क्या होता है कि जो आपके फैट पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, तो जो कम डेंसिटी के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, और जो ज्यादा डेंसिटी का वाटर बच जाता है वो नीचे बच जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि क्रीम, जो आपकी क्रीम है और जो मिल्क है, इनके बीच में डेंसिटी का अंतर है, ये लेस डेंस है, क्रीम आपकी लेस डेंस है और जो मिल्क है आपका वो ज्यादा डेंस है। जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर तैरती है, तो डेंसिटी के डिफरेंस होने के कारण हम यहां पर इसको सेपरेट कर पाए। इस मेथड का एप्लीकेशन और कहां है, इस मेथड का एप्लीकेशन है ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट। इसमें कैसे, जैसे मिल्क के अंदर आपके फैट पार्टिकल्स मौजूद थे, तो ऐसा हो सकता है ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स या फिर आप कहें हीमोग्लोबिन या और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो जब हम उनको रोटेट करते हैं, यदि उन बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की हमें स्टडी करनी है, मान लीजिए हमें हीमोग्लोबिन चेक करना है, हीमोग्लोबिन चेक करना है, तो अगर हीमोग्लोबिन आपके ब्लड से हल्का होता है उस, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से वो हीमोग्लोबिन सरफेस पे आ जाएगा, और सरफेस पे आएगा तो हम उसकी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना था। सिमिलरली यूरिन के अंदर भी कुछ ऐसी चीज होंगी जो उसके अंदर फ्लोट करती होंगी, और हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से उसको ऊपर लेके आ सकते हैं, और ऊपर लेके आ सकते हैं तो ये माप सकते हैं कि यूरिन के अंदर इस चीज की कितनी अमाउंट है। तो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट हम यही देखते हैं ना कि बॉडी में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया है, तो उसको जांचने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन वॉशिंग मशीन में है। आपने देखा होगा कपड़ों को वॉशिंग मशीन क्या करती है, घुमाती है, तो जो लेस डेंस पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल आते हैं, और बाहर निकलने के कारण कपड़े आपके सूख जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस वॉशिंग मशीन में भी आप इस्तेमाल करते हो पानी और कपड़ों को अलग करने के लिए, वो भी आप एक सेपरेशन है। तो हमने इस तरीके से दो मेथड्स डिस्कस किए, डाई फ्रॉम ब्लैक इंक को कैसे सेपरेट करेंगे, और मिल्क के अंदर से क्रीम को कैसे सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो आपस में घुलते नहीं हैं। आपने देखा होगा अगर वॉटर पर आप कुछ ऑयल डाल दो तो ऑयल की अलग ही लेयर बन जाती है, ऑयल उस वॉटर के अंदर मिक्स नहीं होता। तो वॉटर और ऑयल आपके दो जो हैं वो इमिसिबल लिक्विड्स हैं। इमिसिबल लिक्विड्स हैं, अगर मान लीजिए आपका घर में कोई ऐसा हुआ कि जो हेयर ऑयल है वो पानी में गिर गया, तो क्या आप उस हेयर ऑयल को पानी से अलग कर सकते हैं किसी मेथड से? वही मेथड यहां पर गिवन है। क्या किया गया है, एक सेपरेटिंग फनल इस शेप की ली गई है, उसके नीचे यहां एक स्टॉप कोक है। स्टॉप कोक का मतलब अगर उसको ओपन करेंगे तो यहां जो भी लिक्विड होगा वो नीचे निकल आएगा। अब इस केस में नीचे वॉटर है और ऊपर केरोसिन ऑयल है, कोई भी ऑयल हो सकता है, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। तो आप क्या करेंगे, इस सेपरेटिंग फनल के नीचे एक बीकर रखेंगे, स्टॉप कोक को ओपन करेंगे और वॉटर को नीचे आने देंगे।
जैसे ही वोटर जस्ट खत्म होने वाला होगा आप स्टोव कोक को बंद कर देंगे और वोटर आपका सेपरेट हो गया और केरोसिन सेपरेटिंग फनल के अंदर अलग हो गया। तो इस तरीके से आप ऑयल को और वोटर को सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। इसकी एप्लीकेशन और कहाँ है? इसकी एप्लीकेशन है, देखिए आपको ये पता होगा कि कोई भी मेटल नेचर में प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल आयरन, आयरन जब हम धरती को डिग करके निकालते हैं तो इम्प्योर फॉर्म में होता है, लेकिन हम उससे कुछ बनाना चाहें तो हमें वो प्योर करना पड़ेगा। तो उसकी जो प्योरिफिकेशन का मेथड है, आयरन की प्योरिफिकेशन का जो मेथड है, उसमें क्या होता है कि हम आयरन को मेल्ट करते हैं। मान लीजिए आयरन मेल्ट हो गया, ये आ गया, आयरन मेल्ट होने के बाद उसके ऊपर एक स्लैग फॉर्मेशन होता है। वो स्लैग क्या होता है? वो स्लैग होता है आपकी इंप्योरिटी। तो आयरन का प्योरिफिकेशन का एग्जैक्ट मेथड क्या है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आप यहां पर ये समझिए बस कि आयरन को जब प्योर करते हैं तो उसको मेल्ट करना पड़ता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और लिक्विड फॉर्म में क्या होता है फिर उसके बाद उसके अंदर जो इंप्योरिटीज थी वो स्लैग के रूप में उसके ऊपर तैरने लगती हैं, क्योंकि स्लैग और मोल्टन आयरन दे आर टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो हम इस तरीके से उसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ टॉपिक, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और सोल्ट का एक मिक्सचर आपको दिया गया है और हमें अमोनियम क्लोराइड को उससे सेपरेट करना है। हमारी ये सोल्ट है, ये एक इम्प्योरिटी की तरह यहाँ बिहेव कर रही है। इसमें हम क्या करेंगे, एक बर्नर लेंगे, ये बर्नर है, एक चाइना डिश ली गई, चाइना डिश को यहाँ एक स्टैंड पे ऐसे रखा गया होगा इस तरीके से, फिर बर्नर लगाया होगा। चाइना डिश है, ये सॉलिड मिक्सचर है आपका अमोनियम क्लोराइड का और सोल्ट का। ऊपर क्या रखी गई है, एक इन्वर्टेड फनल। एक फनल आपने देखी होगी, फनल को उल्टा करके रखा गया है, ये ग्लास की बनी हुई है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट इन्वर्टेड फनल रखी गई है। ऊपर क्या किया गया है, फनल का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको एक कॉटन प्लग, एक रुई के टुकड़े से बंद कर दिया गया है। तो फिर उसके बाद हुआ क्या, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो सबलीमेबल कंपोनेंट है। सबलीमेबल कंपोनेंट क्या मतलब हुआ कि जो सबलीमेशन प्रोसेस को फॉलो करता हो। सबलीमेशन प्रोसेस क्या होती है, हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया है। सबलीमेशन का मतलब है जब किसी चीज को टेम्परेचर हम प्रोवाइड या हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्टली यदि गैस फॉर्म में चला जाए तो उस प्रोसेस को हम सबलीमेशन कहते हैं। तो कुछ ऐसे विशेष प्रकार के आपके मटेरियल होते हैं, फॉर एग्जांपल कपूर या फिर ओडोनिल जो आप वॉशरूम्स में यूज करते हो, ओडोनिल डायरेक्टली इवेपोरेट होती है, मतलब सॉलिड से गैस में। तो जो आपका अमोनियम क्लोराइड है ये सबलीमेबल प्रोडक्ट है, और आपका सोल्ट जो है वो जो इम्प्योरिटी है वो सबलीमेबल कॉम्पोनेंट नहीं है। तो जब आप इसको हीट करोगे तो अमोनियम क्लोराइड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद जब वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा तो इन्वर्टेड फनल के जो ये सरफेस है ये कंपैरेटिवली नीचे के टेम्परेचर से उनका टेम्परेचर कम होगा, और जैसे ही वो वेपर को टेम्परेचर कम का सरफेस मिलेगा तो वो वेपर्स दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अमोनियम क्लोराइड आपका फनल के यहाँ ऐसे चिपक जाएगा और आपका जो सोल्ट है इम्प्योरिटी वो नीचे ही रह जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर दो कंपोनेंट के बीच में जो सबलीमेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है उसमें डिफरेंस है, उसके कारण हम इनको अलग कर पाए। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, हम किसी भी दो चीज़ों को तब सेपरेट कर पाते हैं जब उनके बीच की कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जिसके आधार पर हम उनको सेपरेट कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक आपका, टू सेपरेट टू कलर्स इन अ सिंगल डाई। पहले केस में हमने क्या किया था, एक डाई को सेपरेट किया था इंक से। अब मान लीजिए इंक में जो डाई है वो दो कलर की डाली गई है। अब दो कलर की डाई डाली गई है तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे,
इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेंगे। उस फिल्टर पेपर के स्ट्रिप के एक एंड से जस्ट ऊपर, आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर ऊपर, 1 सेंटीमीटर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उस लाइन के सेंटर में एक इंक का ड्रॉप डालेंगे। और जैसे ही फिल्टर पेपर पर आप इंक का ड्रॉप डालोगे वो थोड़ी सी फैल जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये फिल्टर पेपर था, ये आपकी लाइन हमने ड्रॉ की है, ये आपका इंक स्पॉट है जो सेंटर में ड्रॉ किया गया है, फैली हुई इंक है। और इस पेपर स्ट्रिप को आपको एक वाटर के बीकर में डुबोना है। ऐसा करना है कि इसका नीचे वाला एंड जस्ट डूब जाए, हल्का सा टच कर जाए पानी को। उसके बाद क्या होगा, जो स्ट्रिप है कैपिलरी एक्शन से ये पानी ऊपर की तरफ उठना शुरू होगा। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, आपने दिया देखा होगा, दिए में जो ऊपर बात जलती रहती है और नीचे से आपका जो ऑयल है वो उसके बाती तक पहुंचता रहता है, ज्योति तक। तो इसका मतलब वो अपने आप उसको कुछ ऊपर कोई फोर्स खींच रही है, तो उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। सिमिलरली यहां भी वाटर ऊपर की तरफ राइज करेगा। जब वो वाटर ऊपर की तरफ राइज करेगा और इंक स्पॉट तक पहुंच जाएगा, अब जो इसके अंदर दो कलर मौजूद हैं, इन कलर्स की पानी के अंदर सोल्यूबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है। पानी के अंदर सोल्यूबिलिटी डिफरेंट होने का मतलब है कि पानी के अंदर घुलने की जो उनकी एबिलिटी है वो डिफरेंट है, एक ज्यादा घुलता है और एक कम घुलता है। अब पानी इस फिल्टर पेपर में ऊपर उठता रहेगा और जो डाई जल्दी घुलती है, ज्यादा घुलती है, वो पानी के साथ ज्यादा ऊपर उठेगी। तो ऐसा होगा कि पानी जब ऊपर उठेगा इसमें, तो एक कलर की डाई थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी और एक कलर की डाई थोड़ी पीछे रह जाएगी। तो आप इस तरीके से दोनों कलर्स को डिफरेंटली देख सकते हो या अलग कर सकते हो। यहां पर हमने किस प्रॉपर्टी को यूज किया, डिफरेंस ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ टू कंपोनेंट्स। सोल्यूबिलिटी में अंतर होने के कारण हम इन दोनों डाइज को अलग कर पाए। तो किसी मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के ये 5 तरीके हमने आज स्टडी किए। हमारे 1-2 तरीके और बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।